हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बार जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये भी नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है। ग्राफ थ्योरी में ये लास्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, कि आपको अगर एक डुअल नेटवर्क ड्रॉ करना है तो आप डुअल नेटवर्क कैसे सीधे सीधे ड्रॉ कर सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं आप। क्लियर? ठीक है, तो ड्यूअलिटी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ड्यूअलिटी होती क्या है। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं डुअलिटी क्या होती है, क्या क्या चीज़ एक दूसरे के डुअल होते हैं, उसके बाद हम सीधे ड्रॉ करना सीखेंगे एक डुअल नेटवर्क, अगर कोई नेटवर्क आपको गिवन है तो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली एक सीरीज सर्किट और एक पैरेलल सर्किट लेंगे। हमको ही पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को लेते हुए, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को लेते हुए मैंने एक सीरीज सर्किट लिया। क्लियर? ठीक है, सिमिलरली मैंने रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को लेते हुए एक पैरेलल सर्किट लिया। ठीक है, और यहां पे मैंने सोर्स करंट लिया क्योंकि करंट डिवाइड होता है, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर? ठीक है, ये दो नेटवर्क लिए मैंने, दो नेटवर्क लेने के पीछे रीजन है। और ये सारी एनालिसिस हम टेंजेंट टर्म में कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, वी होगा और करंट क्या होगा, आई के बराबर होगा। यानी पूरा पूरा सारे, चूंकि लूप है, लूप में करंट सब में, सीरीज एलिमेंट में करंट सेम फ्लो होता है, आर, एल एंड सी। सिमिलरली यहाँ पे करंट सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी के बराबर होगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, आर, एल एंड सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई सी आई डी टी। हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी सबकी जीरो है, कैपेसिटर इंडक्टर के पास इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या किया आपने, केवीएल अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू सारे ब्रांच के में जो करंट फ्लो होंगे उसके सम के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यानी क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर प्लस 1 बाई एल वी डी टी जीरो से टी। क्लियर? प्लस सी डी वी बाई डी टी के बराबर। क्लियर? ये आपका इक्वेशन निकल के आता है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं, क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं, उसको कंपेयर करने से पहले जो आपका 1 बाई आर होता है, 1 बाई आर इक्वल टू कंडक्टेंस कहलाता है, जी से इसको डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। अब हम इसका, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, हमारा इक्वेशन वन हो गया। इक्वेशन टू को मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ, रीराइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या है, पहला टर्म आई आर है, दूसरा टर्म डेरिवेटिव और तीसरा टर्म इंटीग्रेटर, तो यहाँ भी हमें ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू जी के बराबर क्योंकि जी टर्म है द कंडक्टेंस, प्लस सी डी बी बाई डी टी डेरिवेटिव टर्म, प्लस 1 बाई एल जीरो से टी वी डी टी। क्वेश्चन नंबर टू। क्लियर? ये आपको मिला किससे, केसीएल अप्लाई करने से। मैं, मेरी बात का अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं डुअल, क्या क्या चीजें डुअल होती हैं वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये कैसे डुअल है। क्लियर? यानी आपका, आपने क्या देखा, अगर मैं डुअलिटी की बात करूं तो जो आपके बेसिक्स हैं, मतलब अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो V है, V का डुअल क्या हो जा रहा है, I, I का डुअल क्या हो जा रहा है, अगर मैं एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को कंपेयर कर रहा हूँ तो V, और L का डुअल क्या हो जा रहा है, C, और C का डुअल क्या हो जा रहा है, L। क्लियर? यही आपका डुअल होता है, कि सीरीज सर्किट का डुअल पैरेलल सर्किट होता है, करंट का डुअल वोल्टेज होता है, वोल्टेज का डुअल करंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी, एक है आपका एनालिसिस जो है वो लूप बेसिस लिया आपने, लूप। क्लियर? ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, नोड बेसिस है। ये दो चीजें हैं आप, आपने एक बार नोड पे केसीएल अप्लाई किया हुआ है और एक बार आपने लूप पे केवीएल, यानी आप क्या कह सकते हो कि केवीएल और केसीएल एक दूसरे के क्या हो गए, डुअल हो गए। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपने क्या देखा, वोल्टेज, यानी मैं वोल्टेज की अगर बात करूं तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज का डुअल क्या हो गया, करंट। आप ये देख रहे हो साफ साफ, वोल्टेज का डुअल क्या हो गया, करंट हो गया। और क्या देख रहे हो आप,
आप क्या देख रहे हो, रजिस्टर। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर का ड्यूअल क्या हो रहा है, आप दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंडक्टेंस हो जा रहा है, यानी रजिस्टर का ठीक ड्यूअल हो जाएगा कंडक्टेंस। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे, ऐसा नहीं है। ड्यूअल का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, यानी कंडक्टेंस का ड्यूअल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। केसीएल का ड्यूअल केवीएल। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, इंडक्टर। इंडक्टेंस का ड्यूअल क्या हो जा रहा है, इंडक्टेंस का ड्यूअल हो जा रहा है कैपेसिटेंस। क्लियर? ठीक है। और कैपेसिटेंस का ड्यूअल ऑब्वियस सी बात है इंडक्टेंस। क्लियर? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के ड्यूअल हो जा रहा है। और क्या देख रहे हैं आप लोग, आप ये देख रहे हैं कि मतलब वही वोल्टेज और करंट तो आपको पता ही है। तो ब्रांच जो वहां पे जो ब्रांच करंट है और यहाँ पे ब्रांच वोल्टेज, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करंट सेम है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो ब्रांच का वोल्टेज है, ब्रांच वोल्टेज, क्लियर, सॉरी, सीरीज सर्किट में ब्रांच करंट होगा। ब्रांच करंट, अगर मैं बात करूं ब्रांच करंट, तो ब्रांच करंट का ड्यूअल क्या हो जा रहा है, ब्रांच करंट का ड्यूअल हो जा रहा है ब्रांच वोल्टेज। सब में वोल्टेज सेम। क्लियर? ठीक है। इसी तरह आप क्या देख रहे हो, जो लूप है, लूप का ड्यूअल, क्योंकि लूप बेसिस और नोड बेसिस है ही, तो आप लूप, क्या सिंगल लूप को हम मेश कहते हैं, तो मेश का जो ड्यूअल होगा वो क्या होगा, नोड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है नोड का ड्यूअल क्या हो जाएगा, मेश हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें सिंगल मेश है और यहाँ पे सिंगल नोड्स हैं। क्लियर? पैरेलल सर्किट में एक सिंगल नोड है और सीरीज सर्किट में सिंगल मेश है, तो ऑब्वियस सी बात है मेश का ड्यूअल नोड हो गया। क्लियर? इसी तरह क्या होगा आपका, अगर शॉर्ट सर्किटिंग है, अगर सीरीज सर्किट में क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्लियर? तो शॉर्ट सर्किट का ड्यूअल हो जाएगा ओपन सर्किट पैरेलल सर्किट में। क्लियर? ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज जीरो, और करंट, अगर मैं पैरेलल सर्किट में आऊंगा तो ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो। वही हमें लॉजिक चाहिए, क्योंकि वहां पे करंट का फिनोमिना है, वहां पे करंट डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। क्लियर? इसी तरह आपका जो पैरेलल पाथ होगा, जो भी पैरेलल पाथ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज पाथ में कन्वर्ट होता है। ठीक है। हमें इन सब चीजों से उतना ज्यादा मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है कि वोल्टेज का ड्यूअल करंट होगा। देखो क्या क्या चीजें आपको जहन में रखनी है। क्लियर? वोल्टेज का ड्यूअल करंट, इससे मतलब है आपको। रेजिस्टेंस का ड्यूअल कंडक्टेंस, इससे मतलब है आपको। क्लियर? और इंडक्टेंस का ड्यूअल कैपेसिटेंस, इससे मतलब है आपको। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर? और अगर मैं मान लो यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का ड्यूअल क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो ये तीन चीज आपको एकदम क्लैरिफाई रखना है कि ये चीज हमें क्लियर रहना चाहिए कि ये चीज हमारा हो, यानी वोल्टेज का ड्यूअल करंट, या करंट का ड्यूअल वोल्टेज, रजिस्टर का ड्यूअल रजिस्टेंस का ड्यूअल कंडक्टेंस, या कंडक्टेंस का ड्यूअल रजिस्टेंस, और इंडक्टेंस का ड्यूअल कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस का ड्यूअल इंडक्टेंस। ये लॉजिक आपको क्लियर रहना चाहिए, और किसी लॉजिक की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर? थोड़ा सा हम सिंपल सर्किट का ड्यूअल नेटवर्क देखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके भी देखेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा एक सिंपल सर्किट लेते हैं ड्यूअल नेटवर्क को समझने के लिए, कैसे हम इसका ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन एक ले लेते हैं सीधे सीधे। ये कहे तो ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ गिवन सर्किट। ये कैसे ड्रॉ करना है आपको, ये चीज बस क्लियर रहना चाहिए आपको। इससे कोई मतलब नहीं है, ये चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लॉजिक आपको क्लियर है कि हाँ वोल्टेज का ड्यूअल करंट, करंट का ड्यूअल वोल्टेज, तो उससे आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पे मान लो मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया जी, ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया मान लो R1, ठीक है। यहां पे मैंने एक इंडक्टेंस ले लिया L, यहां पे मैंने एक कैपेसिटर ले लिया। मैं सारे एलिमेंट ले ले रहा हूं ताकि आपको डुअल ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना है। और यहां पे एक और रेजिस्टेंस ले लिया। अब
अब ड्यूअल ड्रॉ करने का लॉजिक क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ मेस होंगे उतने नंबर ऑफ नोड होंगे, क्लियर। इसके अलावा एक रेफरेंस नोड भी होता है। तो ड्यूअल इसका ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये आपका एक लूप है, एक मेस है यहां, अगर हम देखें तो एक मेस ये है और एक मेस ये, क्लियर। तो ऑब्वियस बात है कि दोनों मेस क्या होंगे, नोड में कन्वर्ट होंगे। तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं यहां पे, बस यहां पे मैंने एक डॉट बना दिया, एक नोड बना दिया, क्लियर, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया ये मेरा नोड ए है और ये मेरा नोड बी है। एक ग्राउंड नोड तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ये मैंने ले लिया एक रेफरेंस नोड यानी ग्राउंड, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को कट करते जाएंगे, या तो उन दोनों नोड के बीच में, और कटिंग केवल एक ही बार होगी, या तो उन दोनों नोड के बीच में कट करेंगे या तो नोड और रेफरेंस नोड के बीच कट करें। अगर हम यहां पे देखें तो वोल्टेज सोर्स को मुझे कट करना, तो मैं कैसे कट करूंगा, वोल्टेज सोर्स को कट किया और ये कट करके कहां गया, रेफरेंस नोड पे। हमें कटिंग भी ऐसी करनी है कि केवल एक बार कटिंग हो, वो ब्रांच की, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, कुछ भी हो, हमें कटिंग केवल एक बार करनी है, दोबारा उस पर कटिंग नहीं करनी। जैसे मान लो मुझे इंडक्टर को कट करना है, तो इंडक्टर का कटिंग क्या होगा, ए और बी नोड के बीच में हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह मुझे रजिस्टर को कट करना है R1 को, तो R1 की कटिंग क्या होगी, ये होगी A नोड और रेफरेंस नोड के बीच में, क्लियर, ठीक है। इसी तरह मुझे मान लो इस रेजिस्टेंस R2 को कट करना है, तो ये कट क्या होगा, B और रेफरेंस नोड के बीच में। इसी तरह मुझे मान लो इस कैपेसिटर C को कट करना है, तो ये कहां से कट होगा, B और रेफरेंस नोड के बीच में। हमें एक ही बार कट करना है। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि आप रेजिस्टेंस को ए और बी नोड के बीच में कट कर दो, अगर आप कट करके देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। देखो यहां मैं चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस को ए और बी नोड पे कट करूं, तो कट करने पे क्या देख रहे हो, रजिस्टर भी कट हो रहा है और कैपेसिटर भी कट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्लियर, कि एक साथ दो एलिमेंट आप कट कर दें, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्लियर। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि कौन से उस पर कटिंग हो रही है, क्लियर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ये रेफरेंस नोड आपको क्लियर है ही, क्लियर, दो नोड के बीच में कौन सा एलिमेंट कट होगा ये भी क्लियर हो जाएगा डायग्राम के थ्रू। तो यहां पे अब हम ड्यूअल नेटवर्क इसका ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हमारे पास तीन नोड है, ए बी और रेफरेंस नोड यानी कॉमन नोड, क्लियर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो यहां पे बस हम सर्किट ही ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, ए नोड, हमने एक नोड लिया ए, ठीक है, मान लो ये नोड ए लिया हमने, अब इसका ड्यूअल बनाने जा रहा हूं मैं। ए नोड और रेफरेंस नोड के बीच में क्या है मेरा, एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ड्यूअल करंट, वोल्टेज का ड्यूअल क्या होता है, करंट होता है, क्लियर। ये हो गया आई, ये हो गया नोड ए और ये हो गया आपका रेफरेंस, क्लियर, ठीक है, ये आपका रेफरेंस नोड हो गया, ठीक है, या आप इसको सी नोड मान लो, अगर आपको सी काउंट करना है तो इसको सी मान लो, क्लियर, सी नोड। अब क्या होगा, ए और रेफरेंस के बीच में आई आ गया, फिर ए और रेफरेंस के बीच में क्या हो रहा है, आर वन आ रहा है, आर वन का मतलब क्या हो गया, ये सारा नोड ए ही होगा, आर वन का मतलब एक यहां पे कंडक्टेंस आ जाना है, यानी यहां पे जी वन आ गया, क्लियर, यानी ए नोड और रेफरेंस नोड यानी सी नोड के बीच में क्या आ गया, जी वन आ गया, क्लियर। फिर ए और बी के बीच में क्या है आपका, एक इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस का डुअल क्या हो जाएगा, कैपेसिटर, यानी नोड ए, आपका ये नोड कह लो, ये नोड कह लो, सारा ए नोड ही है, ए नोड और बी नोड के बीच में आपका क्या आ जाएगा, एक, क्लियर, ए नोड और बी नोड के बीच में क्या आ जाएगा, एक इंडक्टर का डुअल क्या होता है, कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर यहां पे आ गया। फिर आप क्या देख रहे हो, बी और रेफरेंस नोड यानी सी नोड के बीच में कैपेसिटर है, यानी बी और रेफरेंस नोड के बीच में कैपेसिटर है, कैपेसिटर का डुअल क्या हो गया, इंडक्टर, यानी ये रेफरेंस नोड आपका कॉमन नोड होता है, यहां पे आग पे आ गया, कैपेसिटर रिप्लेस हो जाएगा इंडक्टेंस से, क्लियर। सिमिलरली बी और रेफरेंस नोड के बीच में क्या है, R2 है, तो R2 का ड्यूअल क्या हो जाएगा, G2, ये आ गया आपका G2। तो इस तरह आपने क्या किया, इसको ड्यूअल को ड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं है इसमें, क्लियर। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सिंगल लूप यानी मेस होगा उसको डॉट कन्वर्जन करना है, डॉट यानी नोड बना लेना है और एक रेफरेंस नोड लेना है, नोड सी कह लीजिए उसको आप,
और केवल एलिमेंट्स को कनेक्ट करते जाना, ए और रेफरेंस नोड सी नोड के बीच में कट हो रहा है वोल्टेज तो वो करंट सोर्स में चेंज हो गया, ए और रेफरेंस सी नोड में आपका रेजिस्टेंस R1 आ रहा है तो वो कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो गया, ए और बी के बीच में इंडक्टेंस आ रहा है तो वो कैपेसिटेंस में कन्वर्ट हो गया, बी और रेफरेंस यानी सी नोड के बीच में एक इंडक्टेंस फिर से आ रहा है तो वो क्या हो गया, सॉरी कैपेसिटर आ रहा है तो वो इंडक्टेंस में कन्वर्ट हो गया, फिर से बी और रेफरेंस यानी सी नोड पे एक R2 आ रहा है तो वो कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द गिवन सेल, क्लियर। तो ऐसे हम इजीली ड्यूअल ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है, चाहे वो मैग्नीट्यूड के टर्म में दे दे चाहे किसी भी टर्म में दे दे, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो R1 = 2 ohm दे देता, ठीक है, R2 = 2 ohm दे देता, C = 1 farad दे देता, L = 1 henry दे देता, मान लो 3 henry दे देता, तो सिंपली क्या हो जाता, ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, आई हो गया, ए और सी के बीच में क्या है R1 है, R1 2 ohm है वहां पे, ये 2 mho हो जाता, क्लियर। आप बस केवल यूनिट चेंज करेंगे, जब मैग्नीट्यूड में वैल्यू देता है तो केवल आप यूनिट चेंज करेंगे। अब जैसे यहां पे क्या है, ए और बी के बीच में इंडक्टेंस है, वो कैपेसिटेंस में चेंज हो रहा है, तो ये हेनरी के बजाय 3 farad हो जाएगा। इसी तरह बी और सी नोड के बीच में क्या आपका एक कैपेसिटर है, 1 farad है उसकी वैल्यू, अब ये क्या हो रहा है इंडक्टेंस में चेंज हो रहा है तो ये 1 henry हो जाएगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे 2 ohm फिर से है तो ये क्या हो जाएगा, G2 की वैल्यू 2 mho हो जाएगा, बस इतना ही हो, ठीक है। अगर मान लें आप 15 volt का वोल्टेज सोर्स होता, अगर मान लो 15 volt बी की वैल्यू भी 15 volt दे जाती, यहाँ पे करंट 15 ampere हो जाता, केवल आप यूनिट चेंज करते, ठीक है, केवल आप यूनिट चेंज करते, मैथमेटिकल वैल्यू सेम रहती, केवल आपका यूनिट चेंज हो जाता, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूअल में क्या होता है, रजिस्टर कंडक्टेंस में, इंडक्टर कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस इंडक्टर में, ये चीजें हो जाती, क्लियर। तो आपको यहां से क्लैरिफाई हो रहा होगा कि कैसे आपको ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करना। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ले लेते हैं ताकि आप इजीली सारी चीजें कर पाए। कॉम्प्लिकेटेड क्या, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब नंबर ऑफ मैसेज वगैरह बढ़ा देते हैं, क्लियर। सेम प्रॉब्लम में कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, प्रॉब्लम सेम ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज बस कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक करंट सोर्स लगा दिया, यहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, क्लियर, और यहां पे मैंने एक RL सर्किट, ठीक है, जी R1 R2 L1 L2 एंड C एंड I, क्लियर। फिर से वही काम करना है, क्वेश्चन है ड्रॉ द ड्यूअल नेटवर्क ऑफ द गिवन सर्किट ऑफ गिवन, ठीक है। तो फिर से आपको काम क्या करना है, वही काम जो आप पहले करते हुए आए हैं, आपको पहचानना है कि मेस क्या क्या है, एक मेस ये हो गया, एक मेस ये हो गया, एक मेस ये हो गया, क्लियर। यानी नोड ए बी एंड सी और एक आपका रेफरेंस नोड हो गया बी, क्लियर, ठीक है। फिर से वही काम कटिंग का, यानी पहले हमने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को कट किया ए और रेफरेंस नोड के बीच में, फिर आप क्या करोगे, अब ऐसा नहीं है कि आप यहां से ए और रेफरेंस नोड के बीच में R1 को कट कर दोगे, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहां पे आप जब R1 कट करने जा रहे हैं तो ये ब्रांच एज वेल एज ये ब्रांच, दोनों ब्रांच कट हो रहा है, क्लियर। एक बार में मैंने क्या बताया था आपको कि एक ही ब्रांच आपका कट होना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है एकदम, अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, क्लियर, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आपको कटिंग करनी है, क्लियर। तो ये चीज आप बिल्कुल भी दिमाग में रखिएगा। तो R1 को मुझे अगर कट करना है तो मैं किससे कट कर सकता हूं, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में R1 वाला ब्रांच कट हो गया, केवल एक ही बार एक ही ब्रांच कट हो रहा है, क्लियर। फिर अगर मुझे ए के साथ देखना है तो ए और बी के बीच में क्या कट हो रहा है, L1 वाला ब्रांच कट हो रहा है। फिर सी को मैं अगर देखूं तो बी और सी के बीच में क्या कट हो रहा है, कैपेसिटेंस वाला ब्रांच कट हो रहा है। अगर मैं फिर उससे बी और रेफरेंस के बीच में इसको कट करने जाऊंगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, दो ब्रांच एक साथ कट होंगे। आपको क्या करना है, दो ब्रांच कभी भी एक साथ कट नहीं होने चाहिए, ये चीज दिमाग में रखना, क्लियर। फिर क्या होगा, बी और रेफरेंस के साथ
ये करंट सोर्स कट हो जाएगा, क्लियर। एक बार में केवल एक ही ब्रांच कट होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए आपको, क्लियर। अब क्या करना है आपको, R2 क्या होगा, C और रेफरेंस नोड के बीच में कटिंग हो जाएगी इसकी, क्लियर। सिमिलरली L2 की भी कटिंग क्या हो जाएगी, C और रेफरेंस नोड के बीच में हो जाएगी, क्लियर। जो भी एलिमेंट वाला ब्रांच होगा उसको अगर आपको कट करना है तो केवल एक ही बार कट हो, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लियर। कोई दूसरा ब्रांच उसके अलावा उसके साथ कटिंग ना हो। यानी यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पे आपके चार नोड है ए बी सी डी, तो इसका डुअल ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, मान लो ए नोड ये है, तो नोड ए से वोल्टेज सोर्स रेफरेंस नोड के साथ अटैच हो रहा है, तो वोल्टेज सोर्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगा करंट सोर्स, क्लियर। ये आपका नोड डी हो गया, ये आपका नोड ए हो गया, यानी ए और डी के साथ क्या होगा, क्या कनेक्टेड होगा, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हैं, ए और बी नोड, ठीक है, ए और बी नोड के साथ क्या है आपका, एक इंडक्टेंस, क्लियर। ए और बी नोड के साथ एक इंडक्टेंस है, ए और सी नोड के साथ एक रेजिस्टेंस है, क्लियर। तो सबसे पहले हम एक उस पर कंसिडर करते हैं कि हमारा क्या होगा, क्लियर। तो ए और बी नोड को देखते हैं, ए और बी नोड के बीच में क्या हो रहा है आपका, एक इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस C1, ये नोड ए और बी हो गया, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हैं, बी और रेफरेंस नोड के बीच में क्या आ रहा है, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स किसमें चेंज होगा, वोल्टेज सोर्स, क्लियर। ये आपका बी और रेफरेंस। अब आपका आ जाता है कि अब एक नोड और आएगा सी, क्लियर। और सी के साथ क्या क्या हो रहा है, सी के साथ ये भी है टर्मिनोलॉजी कि आपके रजिस्टर और इंडक्टर भी क्या हो रहे हैं, उस ग्राउंड नोड के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है, क्लियर। तो ए और सी के साथ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, हमने एक नोड लिया सी, क्लियर। तो ए और सी नोड के बीच में क्या आएगा, ए और सी नोड के बीच में क्या आ जाएगा, आपका R1 है, R1 का मतलब यहां पे क्या आ जाना है, कंडक्टेंस, क्लियर। तो ये मेरा सी नोड हो गया, यहां पे क्या आ गया, G1, क्लियर। आप फिर क्या देख रहे हो कि बी और सी नोड के बीच में क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया यहां पे, इंडक्टर, क्लियर। यानी बी और सी नोड के बीच में आपका क्या आ गया, इंडक्टर, ये आपका बी, क्लियर, ठीक है। कैपेसिटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, इंडक्टेंस में, एल, क्लियर। अब क्या देख रहे हो आप कि फिर से सी नोड के साथ क्या कनेक्टेड है, सी नोड के साथ R2 रेफरेंस नोड के साथ जुड़ा हुआ है, सी नोड के साथ आपका L2 रेफरेंस नोड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी सी नोड से फिर क्या कनेक्टेड है आपका, ये सी नोड मैंने ले लिया, सी नोड से आपका कनेक्टेड है R2, R2 यानी क्या हो जाएगा, ये एक कंडक्टेंस G2, क्लियर। और किससे कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है इस D नोड से। सिंपली आपको क्या करना है कि उस नोड से आपको ब्रांच को उठाना है और कनेक्ट करना है दूसरे नोड से जहां पे वो टर्मिनेटेड है, क्लियर। सिमिलरली आपका क्या है, इंडक्टर है, इंडक्टर किसमें चेंज हो जाएगा, इंडक्टर चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस में, यानी सी नोड के साथ क्लियर, सी नोड के साथ आपका एक और ब्रांच एसोसिएटेड है, क्लियर। और इंडक्टेंस यानी किस में चेंज होगा, ये कैपेसिटेंस में यानी C2 में, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, डी नोड के साथ कनेक्टेड है, क्लियर, ठीक है। यहां पे आ गया C2, क्लियर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यही करना है कि आपको क्या करना है, डायग्राम के अकॉर्डिंग सर्किट को ड्रॉ करते हुए चलना है, और कुछ नहीं करना। यहां पे बस हमें ये देखना है कि नोड टू नोड कनेक्शन जब हम कर रहे हैं तो वहां पे क्या एलिमेंट आ रहा है, कैसे एलिमेंट आ रहा है, और
क्या कनेक्शन स्कीम है, किस नोड से किस नोड के बीच में कौन सा एलिमेंट लगेगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, बस उसका ड्यूअल बनाते जाना है, इंडक्टर है तो कैपेसिटर, कैपेसिटर है तो इंडक्टर, रेजिस्टर है तो कंडक्टेंस, बस यही काम करना है, वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स, करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। तो ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको आनी नहीं चाहिए, क्लियर, ठीक है। क्योंकि ड्यूअल नेटवर्क ड्रॉ करना सबसे आसान काम होता है, सबसे आसान काम, क्लियर, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस नेटवर्क को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे। दूसरा तरीका देखो, मुझे क्या पता है, सेकेंड तरीका देख लो, मैंने वहां पे बी नोड को पहले ला दिया था। अब एक सेकेंड अप्रोच देख लेते हैं यहाँ पे, जब हम सी नोड को पहले ला देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ए और सी के बीच में क्या है, वोल्टेज सोर्स है तो किसमें ब्रेक होगा, करंट सोर्स। ए और डी नोड के बीच में हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है तो ये किसमें हो जाएगा, करंट सोर्स में आई, क्लियर, ठीक है। फिर से सर्किट को देखते हैं, फिर क्या है तुम्हारा, ए और सी नोड के बीच में क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या हो गया आपका, यहां पे क्या आएगा, एक ए और सी के बीच में एक कंडक्टेंस आ जाएगा जीवन, ये आपका हो गया सी नोड। फिर आप क्या देख रहे हो, सी और बी के बीच में एक आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आने का मतलब क्या हो गया, एक इंडक्टेंस आ जाएगा एल, क्लियर, ये आपका हो गया नोड बी, ठीक है। और बी और रेफरेंस नोड के बीच में आप देख रहे हो करंट सोर्स है, करंट सोर्स होने का मतलब क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा एक वोल्टेज सोर्स, ये आ गया एक वोल्टेज सोर्स वी, और ये रेफरेंस नोड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर, ये हो गया वी। अब क्या देखना हमको कि जो आपका नोड सी है, क्लियर, नोड सी से भी आपके क्या है आर टू और एल टू कनेक्टेड है, और ए और बी के बीच में भी क्या है आपका एक इंडक्टेंस है, यानी ए और बी नोड के बीच में आपका एक इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस किस में चेंज हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस में, यानी ये हो गया सी वन, क्लियर, ये ए और बी नोड के बीच में। सिमिलरली सी और ग्राउंड नोड यानी डी नोड के बीच में एक कंडक्टेंस आएगा, और सी और ग्राउंड नोड के बीच में एक आपका इंडक्टेंस की जगह पे कैपेसिटेंस आएगा। तो यहां पे फिर से वही काम करते हैं, क्लियर, तो सी और ग्राउंड नोड के बीच में आपका रजिस्टर की जगह पे आ जाएगा एक कंडक्टेंस यानी जी टू, और सी और ग्राउंड नोड की कनेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, एक इंडक्टेंस को कटिंग हो रही है, और वो इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा सी टू, क्लियर। तो ये बन गया आपका ड्यूअल नेटवर्क। तो आप ड्यूअल नेटवर्क ऐसे भी ड्रा कर सकते हो, ड्यूअल नेटवर्क वैसे भी ड्रा कर सकते हो, केवल आपको नोड टू नोड कनेक्शन बताना है कि हाँ इस नोड से इस नोड के बीच में कनेक्शन डायग्राम यही बनेगा, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको सर्किट को ड्रॉ करना है, ठीक है, इसमें कुछ है, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि दोनों सर्किट अलग है, दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है। आप नोड टू नोड कनेक्शन देखेंगे तो इस नोड के बीच में ये आएगा, इस नोड के बीच में ये आएगा, बस यही लॉजिक है इसका। तो मेरे ख्याल से आपको ड्यूअल नेटवर्क क्लियर हुआ होगा, और आसानी से आप ड्यूअल नेटवर्क इससे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल और केवल मेस को नोड में कनेक्ट करना है, और एक रेफरेंस नोड लेना, और एक ब्रांच की कटिंग केवल एक ही बार करनी है, चाहे वो दो नोड के बीच में हो, चाहे वो एक नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में, इस चीज का ध्यान रखते हुए, क्लियर। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर।